हम बच्चे सारे मिलकर तुमको हैं पुकारे, इस भूल भरी दुनिया में तेरे ही हैं सहारे। हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। शिक्षा का अधिकार भी हमको बाबा से मिला है और भारत को संविधान भी बाबा से मिला है, ईश्वर से मिला है, ना किसी अन्य से मिला है। जो भी मिला है वो डॉक्टर अम्बेडकर से। इन तीनों बच्चों ने इसी पुस्तकालय में अध्ययनरत रह करके इस दिल्ली पुलिस के लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बच्चों से आग्रह करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विभा वर्मा है, मेरी माता का नाम श्रीमती नीमा व पिता का नाम श्री सुभाष्कर वर्मा है। मैंने ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल पल्ला ग्रेटर नोएडा से कक्षा दसवीं में 93.6% अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। डॉ. अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के प्रथम सिद्धांत शिक्षित बनो को अपने जीवन का आधार मानकर कक्षा दसवीं में प्राप्त कम अंकों के अनुपात कक्षा बारहवीं में इससे अधिक अंक प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करूंगी। शिक्षा जीवन का आधार, शिक्षा से ही बनता आकार, शिक्षा सम्मान दिलाती है, शिक्षा अवगुण दूर कराती है, शिक्षा कर्तव्य पालन सिखाती है, शिक्षा अधिकारों से अवगत कराती है, शिक्षा अनपढ़ को साक्षर बनाती, शिक्षा भविष्य निर्माण कराती, शिक्षा जैसा नहीं कोई और, आओ चले विद्यालय की ओर, शिक्षा जैसा नहीं कोई और, आओ चले विद्यालय की ओर, जन जन में शिक्षा को फैलाएं, आओ एक साक्षर राष्ट्र बनाएं। जो इस लाइब्रेरी से पढ़कर लेखपाल के पद पर जो जॉब प्राप्त करी है, नेहा डॉक्टर ऑफ श्री ताराचंद मास्टर जी, नेहा। डॉक्टर ऑफ इंद्रजीत 75 अंक लेकर के इन्होंने 12वीं कक्षा को सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण किया है, वो आए और प्रतीक चिन्ह के साथ अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए प्रतीक चिन्ह और एक पेन जो इस संस्था के द्वारा आपको दिया जा रहा है। अगला बच्चा है कोमल, डॉटर ऑफ कमल, 68% सीबीएसई 12th पास की है। इन्होंने भी गांव का नाम ऊंचा किया है और हम कामना करते हैं कि ये बच्चे अपने भविष्य में ऊंचाइयों को छुए। क्रिस सन ऑफ सतीश, 71% अंक प्राप्त करके इन्होंने भी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। देवाक्ष सन ऑफ देवेंद्र, इन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके अपना और अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया है। शिवम भाटी सन ऑफ सरजीत भाटी, 65% अंक लेकर के इन्होंने भी सीबीएसई बोर्ड से 12th उत्तीर्ण की है। एक सन ऑफ संजय रानी, 80% अंक प्राप्त किए इन्होंने 10वीं सीबीएसई बोर्ड से। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निखिल भाटी, श्यामी भाटी, इन्होंने भी 80% अंक प्राप्त करके सीबीएसई 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कमल
सन ऑफ धर्मपाल 73% अंक प्राप्त किया इन्होंने सीबीएसई बोर्ड से कक्षा 10 में। ये हाथ में, हाथ में लीजिए। अंबा प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और बच्चों को पारितोषिक दे करके इनको आप संवर्धन करें। कार्तिक इंद्रजीत 73% हो गया। कार्तिक इन्होंने भी 73% दसवीं 76 सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ध्रुव सना प्रदीप 70% मार्क्स प्राप्त करके कक्षा 10 उत्तीर्ण किया है सीबीएसई बोर्ड। चंचल डॉक्टर सुंदर सिंह 66% प्राप्त करके इन्होंने दसवीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से प्राप्त किया है। अब मैं श्रीदेव प्रधान जी भोपाल जी से आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले बच्चों को आप पारितोषिक देकर के उनका उत्साहवर्धन करें। आर्यन भाटी प्रमोद भाटी 66%। आर्यन भाटी प्रमोद भाटी हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नितिन सना अशोक कुमार 62% प्राप्त किए इन्होंने सीबीएसई दसवीं कक्षा से। हमने आदरणीय मांगेराम जी से आग्रह करता हूं कि वो आने वाले बच्चों को पारितोषिक देकर के सम्मानित करें। कुणाल भाटी पंकज भाटी सना पंकज भाटी 60% इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। इनके भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देव भाटी सन ऑफ दीपक भाटी 57% इन्होंने दसवीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड से प्राप्त की है। इनका भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब मैं श्री रामकिशन बौद्ध जी से आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले बच्चों का सम्मान देकर उत्साहवर्धन करें। 45% अंक प्राप्त किए इन्होंने। अबे काव्य गौतम, सनत नरेश कुमार 86% अंक लेकर के इन्होंने सीबीएसई दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है। देव श्याम सिंह ये पाली से है बच्चा, इन्होंने 87 अंक प्राप्त किए हैं सीबीएसई बोर्ड से दसवीं कक्षा में। श्रद्धेय श्री पाल मास्टर जी आए हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। दो नाम आए हैं, एक हमारे गांव के रिश्तेदार गांव में ही आए, तो रात में जब बुलाना गया था उनका नाम भी मैंने लिखवा दिया था, हिमांशु और दीपांशी। हिमांशु और दीपांशी शिव कुमार जी के देवते देवती हैं। अभी हमारे एक वो गांव में आए हुए हैं, अगर हो तो यहाँ पर आए। हिमांशु और दीपांशी ये थे सीबीएसई से बच्चे जिन्होंने दसवीं और बारहवीं, आपके सामने उनके अंक भी बताए गए। अब आपके सम्मुख यूपी बोर्ड से बारहवीं के बच्चे तैयार रहे, उनके नाम है निशा डॉक्टर ऑफ संजय, 70% इन्होंने बारहवीं यूपी बोर्ड से प्राप्त किए हैं। सीबीएसई एक बच्ची छूट गई थी समीक्षा, डॉक्टर ऑफ वीर नारायण 75% इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभिषेक सन ऑफ संतराम 70% अंक प्राप्त किए इन्होंने यूपी बोर्ड से बारहवीं कक्षा में, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 60.75% इस बच्चे को सम्मानित करेंगे। सूरज आर्य एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, सूरज आर्य रितु डॉक्टर ऑफ जगत सिंह 60.75% रितु अभी नहीं बोले बोला। कनिका डॉक्टर ऑफ चमन 60.75, अंशु डॉक्टर ऑफ कुंवरपाल 60.3%, पवन प्रेम सिंह, पवन सना प्रेम सिंह 57.2%,
यूपी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये पकड़ो निक्की सनफ राकेश 60% यूपी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। कुणाल सनफ रामसुख, कुणाल सनफ रामसुख। सोनू सनफ सोनपाल 55%। सोनू सुभाष, वरुण भाटी सनफ सुभाष 68%। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निशान सनफ प्रीतम, पलक डॉक्टर सुनील 62। पलक सम्मानित करें मांगेराम जी। अब मैं डीपी मौर्या जी पूर्व पार्षद दिल्ली सरकार से आग्रह करता हूं कि वो नैन्सी डॉक्टर ऑफ संजय यूपी बोर्ड से 10वीं पास किया इन्होंने। सागर सनफ ब्रिजेश अभी सनफ धर्मेंद्र 59%। अभय रामसुख, अभी जो आपने बच्चे देखे अभी बहुत ही इन बच्चों में प्रतिभाशाली बच्चे रह रहे हैं। अभी हमारे सीबीएसई बोर्ड 10th और सीबीएसई बोर्ड 12th इन सबसे जो कुछ हटकर काम किया है वो आपके सामने अब आएंगे बच्चे। उन बच्चों का आपको जोरदार तालियों से स्वागत करना है क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने ना रात को समझा ना दिन को समझा और इन्होंने अथक प्रयास से इन सब बच्चों से उच्चतम अंक प्राप्त करके आपके गांव आप अपने माता पिता और सभी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका नाम रोशन किया है। अब मैं रानी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए जो श्रद्धेय नानक चंद जी इस पुस्तकालय के संस्थापक हैं उनकी वाइफ हैं और वो सम्मानित करेंगे उन बच्चों को जो विशेष हैं। मैं अनुरोध करता हूं सरोज जी वो मंच के पास आए और 10th में सीबीएसई में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली बच्ची है जिसका नाम है, आप जानना नहीं चाहेंगे क्या? पहले जोरदार तालियां बजाएं। उस बच्ची को एक प्रतीक चिन्ह के साथ पेन और एक चांदी का सिक्का जिस पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोगो बना हुआ है। इस भारत देश में बहुसंख्यकों को शिक्षा की तरफ अग्रसर ले जाने का काम जो बाबा साहब ने किया है वो अथक है, वो प्रशंसनीय है। वो अन्यथा किसी और ने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक पिछड़े हुए वंचित लोगों की तरफ उनको शिक्षा का योगदान सर्वोपरि है। तो मैं बुलाना चाहूंगा विभा वर्मा, डॉक्टर ऑफ सुभाष वर्मा, इस बच्ची को प्रतीक चिन्ह के साथ सम्मानित करेंगे। और मैं सभी बच्चों से फिर दोबारा अनुरोध करता हूं कि आप इस बच्चे से प्रेरणा लें ताकि आप भी उच्चतम अंक प्राप्त करके कुछ विशेष कार्य कर सकें। ये बच्चे वो हैं जो दिन और रात, मैं इनके गार्जियन से अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पे आए। गार्जियंस, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम विभा वर्मा है, मेरी माता का नाम श्रीमती नीमा व पिता का नाम श्री सुभाषकर वर्मा है। मैंने ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल पल्ला ग्रेटर नोएडा से कक्षा 10वीं में 93.6% अंक प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो के प्रथम सिद्धांत शिक्षित बनो को अपने जीवन का आधार मानकर कक्षा 10वीं में प्राप्त कम अंकों के अनुपात कक्षा 12वीं में इससे अधिक अंक प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयास करूंगी।
शिक्षा जीवन का आधार, शिक्षा से ही बनता आकार, शिक्षा सम्मान दिलाती है, शिक्षा अवगुण दूर कराती है, शिक्षा कर्तव्य पालन सिखाती है, शिक्षा अधिकारों से अवगत कराती है, शिक्षा अनपढ़ को साक्षर बनाती, शिक्षा भविष्य निर्माण कराती, शिक्षा जैसा नहीं कोई और, आओ चले विद्यालय की ओर, शिक्षा जैसा नहीं कोई और, आओ चले विद्यालय की ओर, जन जन में शिक्षा को फैलाएं, आओ एक साक्षर राष्ट्र बनाएं, जन जन में शिक्षा को फैलाएं, आओ एक साक्षर राष्ट्र बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। महोदय से आग्रह करूंगा कि अगला बच्चा जो टॉपर है हमारा 12th CBSE निकिता डॉक्टर ऑफ रामसो 83.6। अब तो हो गया, जो इसमें है उन्हें अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं ब्रांटानो, जो हमारे पास है वह हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे पास है वह हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे पास नहीं वो नजर नहीं आता। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है, मिल गया वो मिट्टी है, नहीं मिला तो सोना है। कि गुरु के बिना हम ज्ञानवान नहीं हो सकते, तो उनके बारे में मैं चार पंक्तियां ही बोलूंगा, गीत तो बड़ा है। हम बच्चे सारे मिलकर तुमको हैं पुकारे, इस भूल भरी दुनिया में तेरे ही हैं सहारे, हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है, हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है, माथे पर तिलक लगाकर फूलों का हार चढ़ाते, चरणों में शीश झुकाकर हम आपका मान बढ़ाते, हे गुरुवर आप अभिनंदन है, चरणों में वंदन है, ज्ञान की छांव बनाकर हर लेते जीवन धूप, जो भी चरणों में आया आशीष तुम्हारा पाया, तेरी राहों में चल करके है जीवन सफल बनाया, हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, हे गुरुवर आपका अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। उदय सन ऑफ प्रेम सिंह 82.6 अंक प्राप्त करके यूपी बोर्ड से इन्होंने 12th पास की है। ललित जी आए जो अंबेडकर मिशनरी को चलाते हैं, और रजनीश जी भी आए, इस बच्चे को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित करें। ध्रुव सन ऑफ प्रदीप 10th पास किए सीबीएसई बोर्ड, आयुष सन ऑफ देवेंद्र 10th पास की है, दीपक सन ऑफ तरसपाल 10th पास किए इन बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड से। ध्रुव सन ऑफ, ये देश हम सबका है, उसके बारे में चार पंक्ते हैं। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल के ये उद्देश्य होता है, जहां रहते हो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है,
जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। हो गया पढ़ी में लगे हुए हैं हमारे बच्चे, कुछ परिणाम आने लगे हैं और उनमें मैं नाम लेता हूं निरंजन भाटी है, इन्होंने दिल्ली पुलिस के रिटर्न क्लियर किया है। निरंजन भाटी जिनकम, इन तीनों बच्चों ने इसी पुस्तकालय में अध्ययनरत रह करके इस दिल्ली पुलिस के लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो कभी पुलिस दोनों करा, विनोद कुमार जी हैं जिन्होंने आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस दोनों की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये वो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आईटीबीपी ज्वाइन कर ली है। अच्छा, ये विनोद कुमार जी हैं जिन्होंने आईटीबीपी ज्वाइन कर ली है, इनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जोगिंदर जी हैं जो इसी लाइब्रेरी से हैं, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये इन्होंने लाइब्रेरी का मान सम्मान बढ़ाया है और आपके गांव का नाम भी बड़ा रोशन किया है। एक हमारी गुड़िया है जो इस लाइब्रेरी से पढ़कर लेखपाल के पद पर जो जॉब प्राप्त करी है, नेहा डॉटर ऑफ श्री ताराचंद मास्टर जी नेहा। और सबसे खुशी की बात है कि अपने ही जिले में सदर तहसील इन्हें मिली है। सदर तहसील, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। टू पुसी कैट, वन फाइटिंग फॉर अ पीस ऑफ बैट, वन क्लेवर मंकी केम विद एन आइडिया, ही डिवाइडेड द बैट इनटू टू पीसेस, ही फूल्ड द कैट बाय सेइंग दैट द बैट आर नॉट डिवाइडेड इक्वली, ही एट ऑल द बैट। थैंक यू। महेंद्र सिंह ने प्रदेश में हैंडबॉल में स्वर्ण पदक जीता है। हमारे बीच में दिल्ली से एडवोकेट सूरज आर्य आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें इस मौके पे। भगवती अनूप लाइब्रेरी थापखेड़ा के तत्वावधान में हो रहे प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित यहाँ के आदरणीय संयोजक श्री नानक चंद जी, मंच पर बैठे हमारे बुजुर्ग और सभा में बैठी हुई मेरी सभी हमारे बच्चे माता और बहनों, आज मुझे जो है यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं उनको शब्दों में बखान नहीं कर सकता है। साथियों, मैं आपके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस गांव के अंदर मैं करीब 50 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और 50 साल के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो भी मैं जो माननीय नानक चंद जी ने जो मेरे को फोन किया तो मेरे मन में बड़ी दिली इच्छा हुई कि भी मैं उस गांव में दोबारा जाकर देखूं जिस गांव में मैं 50 साल पहले आया था। तो मैंने जब यहां पर आकर देखा तो अब यह आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, और जैसे ही मैं इस पुस्तकालय के प्रांगण में मैंने प्रवेश किया मुझे लगा कि मतलब ये छोटी मोटी कोई लाइब्रेरी होगी, लेकिन इस विशाल काय लाइब्रेरी को देखकर मुझे बहुत मतलब अंदर से खुशी हुई है। और इस समारोह में जो इस पुस्तकालय के योगदान से जो हमारे बच्चे जो जिन्होंने 10वीं और 12वीं में जो अच्छे अंक प्राप्त किए, उससे पहले क्योंकि आज जो है ना कुछ बहुत ज्यादा बोलने के लिए हमारे पास है नहीं, पारितोषिक समारोह था वो आपके सामने हुआ है, तो मैं सिर्फ बोधिसत्व भगवान बुद्ध की एक स्तुति के माध्यम से मतलब थोड़ी सी अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। वो स्तुति आप बड़े ध्यान से सुने। इतिपा सो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धस्यो विज आचरण संपन्नो सुगति लोगति अनुत्रो पुरसी दम्मा सार्थी सास्था देव मनुषानम देवो भगवती नमो बुद्धाय। साथियों, जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी जिन्होंने बाबा साहब के शिक्षित रहो संघर्ष करो कि उस बात को आपके सामने बताने की कोशिश की है, लेकिन बाबा साहब का एक नारा जो बाबा साहब के सामने ही मतलब रखा हुआ है
ये इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करेगा वो जो है शेर की तरह दहाड़ेगा। बाबा साहब ने बहुत पहले ये अपने 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 लेखन में लिखा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए साथियों हमें बाबा साहब के एक एक कदम को, बाबा साहब के एक एक बात को अपने जीवन में निर्धारण कर हमें आगे बढ़ना है। और मुझे जिस तरह से हमारे बच्चे आज कोई 90% को 60% कोई 70% मतलब लाके और इस पुस्तकालय के माध्यम से और इस तत्वधान में हो रहे इस समारोह में जो उनको पारितोषिक दिया गया है वो इस बात का प्रतीक है कि वो आने वाले समय में अपने भविष्य को बनाकर इस समाज का, इस समाज के लिए वो अपना मार्गदर्शन करेंगे। इस पुस्तकालय के जितना भी मैनेजमेंट है और पुस्तकालय के पीछे जो जो व्यक्ति हैं जो हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से इस गांव के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि वो सब मतलब अपने अपने बच्चों को इस पुस्तकालय में भेजें और इस पुस्तकालय में वो पढ़ें लिखें और इस पुस्तकालय का वो नाम करें ताकि वो अपने भविष्य में जो भी बनना चाहें वो समाज के लिए जो ना अपना योगदान दें। मैं क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी शिक्षा का अधिकार भी हमको बाबा से मिला है और भारत को संविधान भी बाबा से मिला है। 20 वर्ष से मिला है ना किसी अन्य से मिला है, जो भी मिला है वो डॉक्टर अंबेडकर से मिला है। विश्व शांति के महानायक सम्यक संबुद्ध भगवान तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए विश्व क्रांति के अग्रदूत भारत के संविधान निर्माता दलितों के मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य किशन जी, नाम मेरे ध्यान नहीं है, मुझे जानते होंगे, मेरा बेटा बहुत जाना है इन्हें, बुद्ध प्रिय अंबेडकर जी, और भगवती अनूप लाइब्रेरी के संयोजक आदरणीय नानक चंद जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर दिल्ली से सेवानिवृत्त हैं, उन्हीं के और हमारे भी एक प्रिय दोस्त और मित्र आदरणीय नरपत सिंह, वो भी डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हैं, और इस गांव के और आसपास के गांवों के और बाहर से आए हुए सभी नौजवान बुजुर्गों भाइयों बहनों बेटियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं इस लाइब्रेरी के संयोजक नानक चंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और इनसे कुछ ज्यादा इनकी जो साथी इनकी पत्नी जो अपने बेटे के साथ बैठी हुई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि नानक चंद जी ने और उनकी पत्नी ने जिस तरह अपने बच्चों को योग्य बनाया है, एक बेटा इनका डॉक्टर है, एक बेटी डॉक्टर है जिन्होंने जिसने बेटी ने एमडी कर रखी है और एक बेटा इंजीनियर है, ये बड़ा
महिलाओं को सोचने का विषय है कि नौकरी करते हुए भी और अपना घर का खाना बनाते हुए भी और हमारे जैसे कभी कभी पहुंच जाते हो तो हमें भी चाय पिलाने का काम करने वाली इस महिला का बहुत बड़ा योगदान है इस परिवार को ऊपर उठाने में। इनकी भाषा बड़ी शालीनता के साथ में बड़ी सभ्यता के तरीके से जो इनके माँ बाप ने इन्हें एजुकेशन दी होगी संस्कार दिए होंगे मैं उनको नमन करता हूं। कभी भी इन्होंने जब भी कभी मैं नानक चंद जी के घर चले गए या कोई फोन पर बात करनी हुई तो बिगर मौर्य जी के इन्होंने आज तक कभी ऐसा शब्द नहीं बोला जो कोई चुभने वाला हो। बड़ी सभ्यता के तरीके से बात करती हैं तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बच्चों आज आपने अपने शिक्षा का पुरस्कार लिया अभी आपके नंबर कम हैं। आगे फिर एक साल बाद जो बच्चे टेंथ में ट्वेल्थ में आएंगे फिर हम नानक चंद जी से दोबारा अनुरोध करेंगे कि फिर यहीं बुला करके फिर आपको सम्मान दिया जाए। एक बेटी के नंबर है 90 से ऊपर 93%। तो आगे आने वाले एक साल जो आएगा उसमें आप 90 से ऊपर इतना प्रयास करें जो 90% से ऊपर आपके नंबर आए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किन कठिन तरीके से शिक्षा प्राप्त की थी, कोलंबो यूनिवर्सिटी से आज तक भी कितने साल हो गए जब से वो यूनिवर्सिटी बनी है, 500 वर्ष से भी ज्यादा उस यूनिवर्सिटी को बने हुए हो गए, लेकिन जितने नंबर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने प्राप्त करे आज तक कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उनसे ज्यादा नंबर लिखा दिए। तो ये शिक्षा की शेरनी का जो दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। जहां तक बच्चों का सवाल है हमारी और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, अपने खाने पीने में कमी करो। आज ये पंचशील का आपके गांव में जो ये पटके आप लोगों ने भी पहनाए इनका पालन करो और अपने बच्चों को शिक्षा दो। जब शिक्षा ही आपके लिए बची है वैसे शिक्षा इस सरकार ने देख दी गई है, कोई साधारण आदमी का बेटा नीट में जाए या इंजीनियरिंग में जाए तो शायद इतने पैसा हमारे समाज के पास सबके पास नहीं है जो एडमिशन दिलवा सके। ये शिक्षा जो है आपका निजीकरण करके ये अडानी अंबानी इन सेठों के हाथ में दे दिया, वो मन मर्जी का पैसा लूटते हैं और आपके बच्चे वहां के वहीं रह जाते हैं। ये इनकी रणनीति है कि जहां पर ये लोग थे इनको वहां पर ही रहने दिया जाए। इसलिए अपने खाने पीने में कमी करो और शाम के प्रोग्राम में बिल्कुल बंद कर दो। जब तुम्हारा ये श्याम का 4 बजे का प्रोग्राम बंद हो जाएगा और उतना पैसा अपने बच्चों पर लगा दोगे तो ये बच्चे ही आपका नहीं सबका नाम रोशन करेंगे। इसलिए हम आज नानक चंद जी के उसकी फैमिली की प्रशंसा कर रहे हैं जो इन्होंने अपना काम करके दिखाया है। शिक्षा ही आपका नाम को रोशन करती है, इसी से डॉक्टर बनते हैं, इसी से इंजीनियरिंग बनते हैं, इसी से पायलट बनते हैं, इसी से आईपीएस आईएएस की ये डिग्रियां प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाए। मैं ज्यादा वैसा राजनीतिक भाषण तो नहीं दूंगा, 4-5 दिन से हम बहुत बिजी भी थे
और सबसे पहले इस गांव में बढ़ने पर ये खुशी हुई जब अंदर हम आए तब बाबा साहब की प्रतिमा को लगा देखकर और भी मन को प्रशंसा हुई। लेकिन बाबा साहब के दिए हुए मार्ग पर चलने का भी आप प्रयास करेंगे तो आप बड़े सफल होंगे और आगे बराबर आप निरंतर आप भी आपका परिवार भी आपके बच्चे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। नानक चंद जी ने हमें भी बुलाया और बोलने का मौका भी दिया। फिर मैं दोबारा इनकी सोच को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं कि जिस सोच से ये बराबर 2-3 साल से डिस्कस करते रहे। मैं पहले भी एक बार आया था यहां और 2 बार और आया था, एक गोद भराई हुई थी यहां और एक शादी में। दूसरा नानक चंद जी बड़ा डिस्कस करते रहते, बहुत अच्छा काम है आपको, निस्वार्थ निष्पक्ष शिक्षा मिल रही है। जो बच्चे घर में ना पढ़ पाए 2-4 घंटे अगर यहां बैठ कर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे आप नंबर प्राप्त करेंगे और अच्छे पदों पर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी, क्योंकि नानक चंद जी ने मुझे मौका दिया है बोलने का तो जरूर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत ही जब इन्होंने स्टार्ट की थी, जब ही हमारी इनकी परामर्श तो हो गया था, हमने भी इनसे इनको अनुमति या अपना विचार विमर्श करके बता दिया था कि नानक चंद जी इससे अच्छा और कोई आपको इस समाज के हित के लिए कोई काम नहीं मिलेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा है और विशेषकर इस कम्युनिटी के लिए जिसमें हम और आप पैदा हुए हैं, ना धन है ना बल है, अगर है तो शिक्षा से ही हम कुछ कर सकते हैं। आज हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री नानक चंद जी, मैं तो खैर बच्चापन से क्या हमारे तो साथ ही रहे, मेरे तो घर के पड़ोस में ही इनका जीवन बीता जब तक ये रहे। इनकी लगन और स्वभाव जो है, आज भी मैं भी इनके महकमे में एज ए सेक्शन ऑफिसर रहा और इनके साथ भी रहा, इनका आज भी स्वभाव और उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट ये कहता है भाई नानक चंद जैसा आदमी नहीं है। और वास्तव में ही बात ये थी, अपने काम को भी करते थे, ऐसा नहीं है नहीं करते थे, जितना इनके बस की था हम लोगों की हमदर्दी करते थे, लेकिन अपनी नौकरी भी बचानी और समाज को भी ये ना जाहिर होने देना या डिपार्टमेंट को कि नानक चंद जी क्या कर रहे हैं, ये इनमें एक विशेषता रही थी उस समय। मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। इन्होंने इस समय जो इसका संचालन किया है इसके लिए मैं बार बार इनको धन्यवाद देता हूं। मिसिज इनकी जो है मैं जानता हूं, ये मुझे नहीं जानती है लेकिन मैं इनके बच्चों को अच्छी तरह जानता हूं, उनका भी सहयोग रहा, क्योंकि वो भी एजुकेशन में ही नहीं है भाई। सारी फैमिली अब भी इनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर जो बने हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। नानक चंद जी ने अपना नीचे से उठ के आज इस गांव में जो सम्मान प्राप्त किया है, जो हमारे फूफा लगते थे इनके पिताजी, उनका नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत ही बार बार धन्यवाद भी देता हूं और इनकी आगे उम्र की भी ऐसी शुभकामना करता हूं कि नानक चंद जी जब तक रहे समाज की और उसकी सेवा करते रहे। अपनी सेवा इन्होंने की है, अपनी का मतलब अपने परिवार की, डिप्टी डायरेक्टर रहे 60 साल या 60 साल में रिटायर हुए, लेकिन जो इनका भविष्य बनता है बचता है अब बाकी, मैं इनसे यही उम्मीद करता हूं कि वो समाज की भी कुछ सेवा करें, जिससे ये समाज, दलित समाज,
पिछड़ा समाज कुछ ना कुछ तो आगे इनके द्वारा उभर सके, क्योंकि ईश्वर ने इनको ऐसी शक्ति दी है जिससे इतने बड़े, और आज हमारे गांव में इनका नाम सर्वप्रथम में आता है। अब एजुकेशन के मामले में मुझसे और भी बड़े हमारे महानुभाव जो बाहर से आए हैं बैठे हैं, उनको भी थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए ज्यादा ना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। किसी महापुरुष ने कहा है कि सबसे जीने का सबसे आनंद वही है जो दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसे ही हमारे भाई साहब मेरे रिलेटिव भी हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय श्री नानक चंद जी मंचासीन, हमारे श्री मौर्य जी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रहे और इन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया कि जो मैडम थी विद्या देवी जी, जो पहली बार वहां से निगम पार्षद रही और उसके बाद कांग्रेस में इनका बहुत ही बढ़ चढ़कर इन्होंने, देखिए आदमी करता अपने लिए है, दूसरों को अच्छा लगता है। बाबा साहब ने तीन सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो क्योंकि शिक्षा, अभी देखिए रवि की फसल खत्म हुई, उसमें वीट पैदा हुआ गेहूं, गेहूं से हर खाने का प्रोडक्ट पैदा होता है। इसी प्रकार से शिक्षा को ग्रहण करने के बाद इंस्पेक्टर इंजीनियर डॉक्टर, अब ये बच्चियां आ रही थी मेरे सामने, ज्यादातर वो हैं जो मेडिकल लाइन की हैं। भाई साहब को कहते हैं मां बाप के कर्म करने से उसके औलाद के सामने आते हैं, इन्होंने ऐसा कर्म किया, बड़ा बेटा इंजीनियर है, छोटी बेटी उसके बाद बड़ी बेटी जो है वो MD डॉक्टर है, उससे बाद बेटा है जो इंजीनियर है, उससे तीसरा बेटा जो अभी MBBS किया है उन्होंने, इससे साफ जाहिर रहता है जो हमारी भाभी जी हैं रानी जैन, जो लेक्चरर दिल्ली सरकार से रिटायर हुई हैं, बड़ी मृदुल भाषी, और परिवार को जो बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो बढ़ाने का मेन उद्देश्य जो होता है वो है औरत का सबसे बड़ा हाथ होता है। आपके लिए ये बच्चे हैं ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। बाबा साहब ने दूसरा सूत्र दिया था संगठित रहो, जब हमारी क्लास चलती है हम परिवार में रहते हैं, यदि परिवार में संगठन नहीं होगा तो परिवार कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो सबसे जरूरी है संगठित रहना। फिर है संघर्ष करना, एक व्यक्ति के करने से आज परिवार कभी नहीं बढ़ता। कई बार मैं गांव का दादूपुर का रहने वाला हूं, मैंने मेरे रिश्तेदारों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली में जाके प्रिंसिपल बनूंगा, आज देखिए कि वहां कई परिवार ऐसे थे, व्यक्ति कमा रहा है, आदमी कमा रहा है, औरत उस पैसे को बर्बाद कर रही है, वो परिवार कभी नहीं बढ़ा। तो इसमें सबसे बड़ी जो आदमी जो बढ़ता है वो औरत, सभी परिवार के सभी व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आप देखिए, और सबसे बड़ी जीवन में वो है अनुशासन, सेल्फ का अनुशासन, व्यक्ति को सबसे ज्यादा अनुशासित रहना चाहिए। कि जब व्यक्ति को सबसे पहले कहते हैं आहार, जब भोजन करता है वो घर का भोजन, आज बच्चे बाहर का भोजन करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो आहार सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर का बना हुआ अच्छा भोजन कहें। दूसरा होता व्यवहार, आज देखिए बच्चे गलत संगति में रह करके, गलत बच्चों के साथ गलत आव हवा में रह करके उनका व्यवहार, उनकी डायरेक्शन गलत हो जाती है, जिससे उनका लाइफ खराब होता है। तो आहार के साथ साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, जो आदमी के लिए व्यक्ति के जरूरत है। तीसरी बात होती है व्यवहार, उसकी बोलचाल, बोलचाल आदमी की मृदुल भाषी अच्छा होना चाहिए, जो दूसरे को अपना बना सकता है। और जब शिक्षा आप ग्रहण करेंगे वही आपका डर आपकी परेशानी दूर कर सकता है। आपने देखा होगा शेर और आपने डियर हिरन को देखा है, हिरन की
जो स्पीड है वो है 90 पर घंटे आवर 90 है और लॉयन की है 60। लेकिन आपने देखा होगा कि लॉयन बड़ी जल्दी हिरण को पकड़ लेता है, उसका खात्मा कर देता है। उसके लिए सबसे ज्यादा है उसकी दिक्कत है उसका डर। जब उसके पीछे वो दौड़ता है तो बार बार वो पीछे देखता है और इसलिए उसकी स्पीड में कमी आ जाती है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन अगेन कि आप बच्चे अपने आप को जानें, अपने आप को देखें, किसी दूसरे को ना देखें, पीछे ना देखें, जो पीछे चला गया उसको ना सोचें। यदि हमारे 10th में 12th में भी बेटी ये बता रही थी कि 93.6% आए, ये नंबर यदि ये जॉब लग जाती है कि नंबर कोई मायने नहीं रखता। यदि बच्चे ने 10th पास किया, वो 11th में साइंस साइड में, कॉमर्स साइड में, आर्ट्स साइड में किसी में एडमिशन ले लेता है, वो नंबर मायने नहीं रखते। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, मेरे कैसे नंबर आए, मैं गांव में कैसे रहा, वो मायने नहीं है। मेरी जो नौकरी लगी वो किस बिहाब पर मेरे बड़ों का, तथागत भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, इन बड़े मेरे परिवार के सभी लोगों का जो आशीर्वाद है, उनकी वजह से मैं आप आज इस मुकाम पर बैठा हूं। वही नहीं, मेरे बच्चे, मेरी मिसिज भी गवर्नमेंट जॉब में है, टीचर हैं, मेरा बड़ा वाला बेटा डॉक्टर है, छोटा वाला बेटा वो IIT दिल्ली में है, आप सब जानते हैं। तो ये सब ऐसे भाई जो हैं, इनके इनके मार्गदर्शन से मैं इन्हीं की सोसाइटी में रहता हूं, मुझे बहुत बड़ा बल मिलता है और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं मुझे बड़े शॉर्ट टाइम में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, नहीं तो मेरा भी मन था कि इन बच्चों के लिए कुछ मैं भी अपनी तरफ से करूं, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम आया हूं। इतना अच्छा, देखिए आपको ये लाइब्रेरी मिली है, दिल्ली में आके जाके देखिए, बच्चे पैसे खर्च करते हैं, 1000-2000 फिर लाइब्रेरी में जाते हैं, क्योंकि एटमोस्फेयर ऐसा मिल जाता है, वो वहां जाकर के पढ़ाई ही करते हैं। आज देखिए कोचिंग लेते हैं बच्चे, 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च करते हैं तब उनका सिलेक्शन होता है। तो ये चीजें, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी खत्म कर दूंगा। एक बात कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट एनी सोसाइटी इफ ही सम टू डू इन लाइफ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह बिना समाज के नहीं रह सकता। यदि उसे समाज में रहना है तो समाज के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी वो उन्नति कर सकता है। सभी के लिए जय भीम, नमो पिताय। मुझ पे और मेरे परिवार पे जो बना हुआ है उसकी ये ताकत है कि ये सब मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे परिवार और मुझे आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। इस मौके पे मैं ज्यादा तो नहीं कहता कुछ भी, लेकिन दो लाइन कहूंगा। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दूसरा ये है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए आप हताश या उदास होने की जरूरत नहीं है। जिनके कम नंबर आए हैं वो अगले साल के लिए तैयारी करें, मेहनत करें, और उसके बाद में फिर हम अगले साल देखेंगे, आपको इसी तरह से प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जो दो कोटेशन इसमें लगे हुई हैं, इन्हें कम से कम अपने जीवन में हर वक्त आप इसको याद रखें कि आप पढ़ोगे तो कम से कम आगे बढ़ोगे और अपनी जो समस्याएं हैं उनको सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, और अगर शिक्षित नहीं होगे तो कुछ नहीं है। एक वो डेंसल मंडेला हुए थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, वो 25 साल जेल में रहे, 25 साल। तो उनका एक ही वो कोटेशन था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बोला एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो संसार को बदल सकती है, तो इसलिए उसके लिए आप प्रयास करो और आगे बढ़ो। उनके गाहक सैत नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई, कोकला सबे सुहावन, दो का एक रंग काग सब बने पावन। सम्मानित मंच और सभी हमारे यहाँ के आजम भी, समय ज्यादा हो गया है, सबसे परिचित हूँ, और गाजियाबाद से हमारे साथ आए ललित जी, रजनीश जी,
और हमारे बहन भाई धर्मदीप सिंह जी सभी लोग परिचित हैं, गांव के हैं। तो मैं एक बात कहूंगा, देखिए हमारे बीच हमारे फूफाजी थे जो नानक चंद जी के पिताजी थे, अनूप सिंह जी इस गांव के चहेते थे, और हमारी बुआ श्रीमती भगवती जो भगवती जी हैं, उनका त्याग और उनका आज जो इस गांव में रोशन हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर नानक चंद जी और उनके परिवार को सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मगर मैं जब यहां देखा सब बच्चों ने बड़ी प्रतिभा दिखाई है, एक बेटी हमारी 93 में परसेंट लेकर के आई है। देखिए मैंने देखा है कि लड़कियां ही ज्यादातर आई हैं आगे, लड़के आगे नहीं आ रहे, और लड़के कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करते। और मेरे संज्ञान में यह भी आया है कि हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। बाहर के लोग दनकौर से आपके अजायपुर से ट्रेनों में बैठ करके यहाँ शांति से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, वो यहाँ से कुछ प्राप्ति कर रहे हैं। हमसे हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो गांव के हमारे बच्चे हैं जो ये महान कार्य भगवती जी के नाम से लाइब्रेरी बनाई है, लोग अपने मुंह तक रहते हैं। इन्होंने कितना त्याग और तपस्या करके इस गांव को जो कुछ दिया है, गांव आज जिंदगी इनका ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने देखिए अपनी जमीन तो थी वो तो थी, और खरीद करके इतना भव्य लाइब्रेरी का निर्माण किया है कि आज यहां से जब तक थापकेले का लड़का कोई आईएएस और आईपीएस नहीं बनेगा, तब तक हमारे गांव के लिए नानक चंद जी की सेवा जो दी है उसके लिए हम सब ऋणी रहेंगे। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बच्चे अब देखिए मैं बता देता हूं, लोग कहते हैं कि शिक्षा से नहीं आगे बढ़ते। मेरी सातवीं क्लास में शादी हुई, सातवीं क्लास के बाद मैंने एमए किया, ला किया, और आपके सामने इतना करते हुए पूरे गांव और अपने जितने मित्र हैं सबकी जितनी मुझसे सेवा बनी है, और आज भी 2004 से मैंने बिहारस 8 साल पहले लिया डायरेक्ट दिल्ली से, और आज तक मैं रिटायर होता 8 साल पहले तो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर रिटायर होता, मगर सेवा के लिए मेरे पास ड्राइवर है, मेरे साथी हैं, और आज भी हमारी बहुत बड़ी मीटिंग समाज की लाख ग्लोबल ला कॉलेज में चल रही है सत्यार्थी जी के यहाँ। मैंने सोचा था 11 बजे तक यहाँ निमट जाएगा, मगर उस मीटिंग में हमारे सम्मानित ललित जी नीरज जी इनको सबको जाना था, रजनी जी को, मैं आपका समय ज्यादा लिया है। मैं यही प्रार्थना करूंगा इस गांव की जमीन और गांव के बच्चों से कि गांव का रोशन नाम जब तक नहीं होगा, आपकी सेवा जो परिवार ने यहाँ त्याग तपस्या के साथ दी है, जो महान देवी उनकी पत्नी है माननीय नानक चंद जी की, क्योंकि पत्नी का योगदान मनुष्य के निर्माण में बहुत होता है, तो ये जो कुछ भी किया गया है ये इनकी पत्नी जी के लिए भी बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है। अब जब इनकी ऐसी सोच है तो देखिए बच्चा डॉक्टर इंजीनियर, लड़की डॉक्टर बन गई, एमडी है। मैं तो अनुरोध करूंगा, मेरी चर्चा रहती है इनसे ज्यादातर, इतने शानदार इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, क्योंकि जब तक जितनी ताकत और ईमानदारी से काम करेगा वो आगे दीपक की तरह चमकता रहेगा। ये लाइब्रेरी हम रहे ना रहे सब लोग चले जाएंगे, मगर ये नाम आदरणीय हमारी बुआ भगवती जी का और अनूप जी का, उनके साथ में आदरणीय हमारे नानक चंद डिप्टी डायरक जी का नाम रोशन रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, आपने साथ बोल मेरी बात सुनी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग बैठे हैं जरा मुझे ईमानदारी से बताए कि बाबा साहब का जो एकांकी नाटक आता है 8 से 9 बजे तक कितने लोग देखते हैं, बताइए ईमानदारी से। देखिए 10% लोग नहीं है। मैं निवेदन करूंगा इस लाइव, सुनिए सब सुनिए भाई भाई सुनिए सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के सबसे कि अपने परिवार के साथ 8 से 9 बजे तक, और परिवार में 8 से 9 का टाइम नहीं है तो G5 पे आता है, GDV5 पे,
उस बाबा साहब के नाटक को जरूर देखें। आपका निर्माण, बाबा साहब और परिवार का निर्माण आपके साथ में ऐसा सार्थक बनेगा कि आज से आपको प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आज से सब तय कर लें कि बाबा साहब का नाटक जरूर देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।